हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों? तो बेटा, हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अगले वीडियो पर आ गए हैं, और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का बेटा ये सेकंड वीडियो है। पिछला वाला वीडियो कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट इसकी पूरी अलग है। प्लेलिस्ट कैसे आएगी? सर्चिंग पे जाइए, लिख दीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल बाय HD मैथमेटिक्स, तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी टॉपिक चाहिए बस वो सर्चिंग में जाके लिखिए। आपको ग्रुप थ्योरी चाहिए तो लिख दीजिए ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, टोपोलॉजी, बहुत सारे वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। सर्चिंग में जाके आप लिख दीजिए बस HD मैथमेटिक्स, तो निकल के आ जाएगा टॉपिक का नाम बाय HD मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, पिछला वाला वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया था। एक्चुअली क्या है, 51 मिनट के बाद मेरे कैमरे की कुछ सेटिंग ऐसी है कि अगर वीडियो कंटिन्यू होगा तो अपने आप कट जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर मैं आ गया था, मैंने बताया था कि देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे कोई भी चीज़ मतलब इन इक्वेशन में कोई भी फंक्शन ऐसे नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि x 0 से पाई तक है ना, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक है, तो साइन x क्या होगा, है ना। तो इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, सीधे सीधे फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। ये बेसिक मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करना चाहिए हमको, है ना। और इसीलिए हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बेसिक को नहीं समझना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि 5 सवाल बड़े बड़े करा दिए जाएं, उसमें से 4 एग्जाम में कर दें और पास हो जाएं, फिर कहें कि जी देखो हम पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए, क्योंकि आपने नॉलेज नहीं गेन की। देखो जैसे कि मान लीजिए एक्स है, अगर 0 से π तक है, अब आप इसमें अगर साइन एक्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई भी 0 हो जाएगा, जो गलत है। कैसे करना चाहिए, जो करना ऐसे चाहिए कि जैसे जब हम, अब इसमें क्या है, हमें साइन चाहिए, एक्स की वैल्यू मालूम है, साइन की वैल्यू चाहिए, तो जिसका सबसे अच्छा तरीका होता है वो आप साइन का ग्राफ देखो। देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक हम साइन का ग्राफ देखें। देखो यहाँ पर ये π/2 होगा, π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर एक्स 0 से π तक जाएगा, है ना, तो देखो ये हमें ग्राफ दिखाई देगा, ये वाला ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखो, है ना, किसकी वैल्यू देखनी, साइन एक्स की। साइन एक्स का मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में फंक्शन ही वाई है, वाई ही फंक्शन है। सिंगल वेरिएबल में जो फंक्शन होता है वो हमेशा वाई के बराबर होता है, बाकी डबल वेरिएबल वगैरह में नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे, देखो इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर वैल्यू 1 है, जो मैक्सिमम है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, जो सही आंसर है, जो कि सही आंसर है, है ना, ये बात ध्यान दो। तो इसी पर अचानक आके मेरा वीडियो कट गया था, तो रह गया था, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े बेटा। हम लोगों ने देखो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है इसको समझ लिया था। मैंने बताया था बेटा कि फर्स्ट काइंड में जो हमारी लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की, उनमें से एक लिमिट इनफाइनाइट हो सकती है ना, या माइनस इनफाइनाइट हो सकती है, या दोनों भी माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट काइंड में। लेकिन जो फंक्शन होता है उसकी रेंज, मतलब उस, वो फंक्शन बाउंडेड होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शन क्या होता है अपना, बाउंडेड होता है, लिमिट्स इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो सकती हैं, ये फर्स्ट काइंड में था। अच्छा अब देखो पिछला वाला वीडियो जरूर पढ़ लीजिए बेटा, उसको बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। पुराने सारे वीडियोज पढ़िए, उस पर लिखे हुए Part 1 वगैरह, वैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज ही है, उसमें देखो ध्यान दो। जैसे अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखो, जैसे ये क्या होता है, ये बातें जो बता रहा हूं मैं, ये कन्वर्जेंस में काम आती। मैंने बताया था कि जब कोई इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर, तो उसकी वैल्यू निकल भी सकती, नहीं भी निकल सकती है, तो यही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताते हैं। एक इंटीग्रेशन मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब उसकी एक फाइनाइट वैल्यू निकलेगी, और अगर वो डाइवर्जेंट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यही मतलब होता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, ठीक है। कन्वर्जेंस का मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू निकलेगी, अगर वो डाइवर्जेंट है तो उसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगी, या वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है, मैंने बताया था। देखो कुछ बातें यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी है किसी भी इंटीग्रल की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू x और fx dx, समझो। ये कुछ फार्मूले हैं
जिनका कन्वर्जेंस में यूज होगा। अभी मैं आपको यूज कराऊंगा, पहले लिख लो इसको, है ना। क्योंकि देखो अगर ये अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो आप एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए और यहाँ एक्स कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट मान लीजिए बी है, तो देखो यहाँ पर भी यही होगा। आप ऐसा करिए, लिमिट को कर दीजिए एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस एक्स से लेकर बी तक और एफ एक्स डी एक्स, ऐसा देखो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोनों ही लिमिट ऐसी हैं, एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी, देखो तो आप क्या करोगे, इसको पहले ब्रेक करोगे। कैसे, देखो एक बार कर दो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, है ना, और दोबारा कर दो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। जीरो पर ब्रेक कर दो या किसी और पॉइंट पर भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जीरो भी आता है, बीच में वन भी आता है, टू भी आता है, तो आप वन पर भी ब्रेक कर सकते हैं, आप टू पर भी ब्रेक कर सकते हैं, कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं अपने मन से। अच्छा, इसको देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो इसमें लिमिट लगा के लिखो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस एक्स से जीरो और एफ एक्स डी एक्स, और इसमें देखो ये प्लस इन्फिनिटी है, तो इसमें लिमिट लगा के लिखो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जीरो से एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ऐसे करके देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इनकी जरूरत हमको आगे पड़ती है कई बार, है ना। एक काम करो, जैसे इसको एक्स वन कर दो और इसको एक्स टू कर दो, इनको अलग अलग कर दो, यहाँ पर एक्स वन कर दो, यहाँ पर एक्स टू कर दो, जिससे कि थोड़ा दिखने में डिफरेंस रहे। तो इनकी हेल्प से हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं, मतलब इनको एक फार्मूले, क्या मतलब, छोटा सा कॉमन सेंस है ये, फार्मूला नहीं कह सकते, रट नहीं सकते, है ना। इन्फिनिटी की जगह एक्स कर दिया और एक्स को इन्फिनिटी लिमिट पे ले गए, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो, अच्छा अब जरा हम ये समझे, क्योंकि देखो कन्वर्जेंस चेक करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस काइंड का है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड या थर्ड काइंड, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही टेस्ट बनाए गए हैं। तो पहले पहचानना पड़ता है कौन सा काइंड है, तो अभी हम लोग थोड़ा वही सीख रहे हैं पहचानना, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों, देखो अब हम लोग समझे कि आखिर सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, देखो इस सेकेंड काइंड में क्या होता है, जैसे कि हमने ए और बी मान लीजिए एक फंक्शन लिया एफ एक्स डी एक्स, ये हमने लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो सेकेंड काइंड में ये जो ए और बी हैं ये दोनों ही फाइनाइट होंगे। इसको ऐसे भी कहते हैं कि इंटीग्रेशन की रेंज फाइनाइट है, हालांकि मैंने बताया था ये टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि लिमिट्स की रेंज फाइनाइट है, है ना। तो किताब वाले ऐसा लिखते हैं कि इंटीग्रेशन की रेंज फाइनाइट है, मतलब ये लिमिट्स फाइनाइट है। और हाँ, एफ एक्स जो है वो किसी भी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट होगा, एफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी या माइनस इनफाइनाइट होगी, कहां पर, ए बी के बीच में किसी भी एक पॉइंट पर या दो पॉइंट पर, मतलब एक्स ए पर या बी पर भी इनफाइनाइट हो सकता है और उसके बीच में भी हो सकता है। बीच में आपको मतलब इस इंटरवल में ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, एक या दो या तीन भी मिल सकते हैं, इंटरवल के बीच में भी मिल सकते हैं, ए और बी पर भी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन इनफाइनाइट होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इसको कहते हैं कि फंक्शन अनबाउंडेड है, इस पूरी बात को कहते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है वो अनबाउंडेड है, ठीक है, इन इंटरवल दिस, इस इंटरवल में जो एफ एक्स है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब वो इन्फिनिटी पर गया, है ना। अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, बाउंडेड का मतलब कि वो इन्फिनिटी पर नहीं गया, उसकी जो रेंज है मतलब उसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, चलिए गलती से एक विंडो खुल गई थी, उसको बंद करने गया था सब कुछ बंद करना पड़ता है ना बेटा,
तेरी वीडियो अच्छे बनेंगे, है ना। देखो जैसे हम लोग इसके एग्जांपल यहाँ पर देखें, जैसे कि मान लो मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, 0 से 1 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो लिमिट फाइनाइट है ना, लेकिन जीरो पर, अगर हम जीरो पर इसको देखें, अब देखो मैंने बताया था एंड पॉइंट पर लिमिट निकालनी पड़ती है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये अनडिफाइंड तो बना नहीं है ना। 1 बाई 0, मैंने बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ये इनफाइनाइट होता है ना। ये बात मैंने बताई थी, कहाँ बताई थी, मल्टी वेरिएबल ने बताई थी, वहाँ पर भी लिमिट का यूज़ होता है, वहाँ मैंने बताई थी आपको, ठीक है। जबकि 1 बाई एक्स जो है वो एक तरफ से इन्फिनिटी एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो पर, है ना। जैसे कि अगर हम जीरो पर 1 बाई एक्स की लिमिट निकालें तो इसकी राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आती है और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आती है, इसकी दोनों साइड की लिमिट इन्फिनिटी आती है। देखो उसकी वजह क्या है, वजह ग्राफ होते हैं, जैसे 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना। देखो जीरो पर अगर हम, ये वाई बराबर 1 बाई एक्स फंक्शन का ग्राफ है, क्यों ऐसा ग्राफ है, देखो एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव, मतलब देखो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर एक्स नेगेटिव तो वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब ग्राफ थर्ड में है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब आप यहां पर देखो कि जब आप जीरो से राइट में जाओगे तो ये फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा, जब आप जीरो से लेफ्ट में जाओगे तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा। तभी देखो जीरो पर कहते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, क्योंकि ये फंक्शन जीरो के आसपास अपने आप को बदल दे रहा है, जीरो के राइट में इसका बिहेवियर कुछ अलग है सीधे इन्फिनिटी, और जीरो के लेफ्ट में इसका बिहेवियर कुछ अलग है सीधे माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए जीरो पर, हालांकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों ही नॉट एग्जिस्ट ही कहें, इन्फिनिटी हो जैसे कि जीरो पर इन्फिनिटी है तब भी ये फंक्शन अनबाउंडेड हो गया, है ना। एंड पॉइंट पर लिमिटिंग केस देखते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन सेकेंड टाइप का इम्प्रॉपर है, क्योंकि देखो फंक्शन जो है तो एक पॉइंट पर इन्फिनिटी हो रहा है जबकि लिमिट फाइनाइट है। अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर में क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो दोनों तरफ से सेम, क्यों, क्योंकि देखो अगर x पॉजिटिव होगा तब भी y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x नेगेटिव होगा तब भी y पॉजिटिव देखो सेकेंड क्वाड्रेंट, तभी देखो ये ग्राफ ऐसे बना। इसमें देखो राइट से भी इन्फिनिटी जा रहा है और इसमें देखो ये लेफ्ट से भी इन्फिनिटी जा रहा है ना। तभी यहाँ पर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x टेंड टू जीरो 1 बाई एक्स की वैल्यू आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बात मैंने कई बार आपको समझाई है, जो बच्चे अलग अलग टॉपिक पढ़ते रहते हैं, पढ़ते क्या रहते हैं, मतलब रियल एनालिसिस कहीं सिलेबस में है तो इम्प्रॉपर भी होगा जनरली, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी होगा, तो वहाँ ही मैंने ये बात आपको समझाई थी, कई जगह आती है बात यूज़ में, याद रखना इस बात को। ऐसे समझो जैसे अगर x की पावर 3 होता तब भी यही केस होता, अगर 1 बाई एक्स की पावर 3 होता तब भी यही केस होता, क्योंकि वहाँ पर भी x पॉजिटिव पर y पॉजिटिव होता, x नेगेटिव पर y नेगेटिव होता, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। हाँ अगर 1 बाई एक्स की पावर 4 होता तो ऐसा ही केस होता, क्योंकि वहाँ पर भी यही चीज़ होती है ना, ये बात समझो। तो खैर है तो अनबाउंडेड ही, हमें अनबाउंडेड से मतलब है, अगर यही चीज 1 बाई एक्स होती तब भी वो अनबाउंडेड ही होता, क्योंकि 1 बाई एक्स क्या होता, एक तरफ से इन्फिनिटी एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी, तब भी वो अनबाउंडेड होता, तब भी वो सेकेंड काइंड का ही होता। वो तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो कि मैं अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हूँ, एक्स्ट्रा समझाए नहीं मानता बच्चों को, ठीक है। तो सेकेंड काइंड के हम लोग जरा और एग्जाम्पल अभी देखें कि भाई सेकेंड काइंड को कैसे पहचानेंगे, लिमिट फाइनाइट लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पर फंक्शन जो है वो इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा, ठीक है, ये बात जरा समझो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। देखो ऐसे ये क्वेश्चन अपने पास है, समझो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, देखो कि 0 से लेकर 3 जा रहे हैं तो रास्ते में आपको x बराबर 1 और 2 मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है, आप 0 से 3 जा रहे हैं
तो जब 0 से 3 जाएंगे तो 1 2 मिलेगा, 1 मिलते ही ये इन्फिनिटी होगा, 2 मिलते ही इन्फिनिटी होगा, मतलब 1 और 2 पर ये अनबाउंडेड है ना। कई लोग इसको इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं कि 1 और 2 पर इनफाइनाइट हो रहा है तो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, ऐसा बोल देते हैं। हालांकि ये सब लैंग्वेज अपने मन से ऐसे नहीं बोलनी चाहिए बिना वजह के, हर टर्म अपने आप में अलग अलग है, फिर भी किताब वाले उठा के फेंक देते हैं ये टर्म बच्चों को परेशान करने के लिए कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उलझेंगे, मजा आएगा, क्योंकि बच्चों को उलझाने में लोगों को बड़ा मजा आता है। जो बड़े बड़े हमारे मैथमेटिशियन होते हैं तो किताबों में ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं कि बच्चों के पल्ले ही ना पड़े। तभी तो आम आदमी मैथ से दूर हो गया। आम आदमी मैथ से दूर क्यों हुआ और मैथ की हालत खराब हो गई? क्यों? आपने लोगों को मैथ से कनेक्ट नहीं किया, उनको दूर भगाया, उनको ये बताया कि भैया देखो हमें तो मैथ आता है और तुम समझने की कोशिश मत करना क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, है ना। मतलब भाई किसी भी आदमी का काम तो महान है ही, लेकिन जो कोशिश होनी चाहिए थी लोगों को मैथ से जोड़ने की वो नहीं हुई। लोगों को लगा मैथ बहुत बेकार है, खतरनाक है, बहुत टफ है, कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा है नहीं, ध्यान से पढ़ो, सब होगा, धीरे धीरे करके अच्छे से होगा, समझ में आना चाहिए, समझे ना। तो 1 और 2 पर देखो ये जो इंटीग्रेंड है ये इनफाइनाइट होगा, हाँ लिमिट इसकी फाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये सेकेंड टाइप की हमारी, ठीक है, सेकेंड टाइप का हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है ना। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मान लो मैंने ऐसे करके ले लिया 1 से लेकर 5 (x^2) (x-4) dx। यहां भी देखो 1 से 5 तक जाएंगे तो बीच में 4 मिलेगा, 4 पर इनफाइनाइट होगा ये, है ना। हालांकि ये वाला 0 पर इनफाइनाइट होगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, है ना। लेकिन ये x = 4 पर क्या होगा? इनफाइनाइट, है ना। तो देखो ये भी सेकेंड टाइप की हमारी जो है वो, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकेंड टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको हम लोग निकालते हैं और इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ तो आपको कन्वर्जेंस चेक करना पड़ेगा। बिना कन्वर्जेंस को चेक किए आप ये नहीं कह सकते इसकी वैल्यू। कैसे चेक करेंगे कन्वर्जेंस, अभी हम लोग आगे समझेंगे, देखेंगे, परेशान नहीं होइए, सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब इसके लिए भी एक दो देखो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका यूज होगा सेकेंड टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए भी, क्योंकि कई जगह पर इन फार्मूलों का देखो यूज होता है। देखो जैसे क्या होता है, अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया इंटीग्रल a to b और f(dx) दिया, ठीक है। अच्छा अब मान लो जैसे कि वो फंक्शन b पर इनफाइनाइट हो रहा है, मान लो x = b पर जो हमारा फंक्शन है ये इनफाइनाइट हो रहा है, मैंने ऐसा मान लिया लेट, तो क्या होगा? अब देखो तरीका ये होता है कि आप b तक मत जाइए, b से थोड़ा कम पर रहिए, b पर ना जाकर के b से थोड़ा कम पर रहिए, तो b माइनस एप्साइलन कर दिया और एप्साइलन को टेंडिंग टू 0 कर दिया, है ना। ऐसा देखो हमने यहां पर किया, एक सेकंड बच्चों जरा वो खिड़की फिर खुल गई, मैं बंद करके आता हूं। अच्छे से बंद हो नहीं रही आराम से करूंगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं बी तक नहीं गया, बी से थोड़ा कम पर गया और एप्सिलॉन को टेंडिंग टू 0 कर दिया, है ना। इससे क्या होता है, कन्वर्जेंस चेक करने में ये फार्मूले यूज होते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x टेंडिंग टू a पर फंक्शन इंफिनिटी हो रहा है तो क्या होगा? जैसे x टेंडिंग टू a पर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है तो हम क्या करेंगे? देखो a पर नहीं जाएंगे, a से थोड़ा आगे से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि a प्लस एप्सिलॉन का मतलब a से थोड़ा सा आगे, a को छोड़ दिया,
जैसे यहाँ पर देखो हमने बी को छोड़ दिया, बी से थोड़ा पहले रुक गए क्योंकि बी पर इन्फाइनाइट जा रहा था, और यहां पर भी लिमिट एक्स टेंडिंग सॉरी एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, ठीक है। और ये अपना हो गया क्या बोलो एफ एक्स टी। इन फार्मूलों का यूज हमें करना होता है कई जगहों पर, है ना, तो कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं बिल्कुल भी है, ठीक है। देखो अब अगर बीच में किसी पॉइंट पर हुआ तो उसको ब्रेक कर देते हैं, है ना, अगर बीच में किसी पॉइंट पर हुआ तो उसको उसी पॉइंट पर ब्रेक कर देते हैं, समझाएंगे, परेशान मत हो, ये सब तरीके बताएंगे आपको जब कन्वर्जेंस करेंगे तब, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सेकेंड काइंड था, अब देखो बहुत सी किताबें देखो थर्ड काइंड नहीं लेती हैं। थर्ड काइंड में क्या होता है, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों मिलके आ जाते हैं। जैसे कि मान लो ये है, मैंने जीरो टू इन्फिनिटी लिया, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू भी लिया। अब देखो लिमिट इन्फिनिटी है मतलब फर्स्ट काइंड हो गया, और बीच में किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी हो रहा है क्योंकि देखो वन और टू पर इन्फिनिटी भी हो रहा है तो सेकेंड काइंड भी हो गया। तो थर्ड में क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिल जाते हैं, फर्स्ट काइंड और प्लस सेकेंड काइंड दोनों मिल जाते हैं, है ना, इसीलिए इसको हम थर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिमिट भी इन्फिनिटी होगी और बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ये फंक्शन इन्फिनाइट हो रहा होगा, तो इसीलिए इसको हम थर्ड काइंड यहां पर कह सकते हैं, ये बात समझो, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये है जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स टी एक्स है, तो कैसे थर्ड काइंड है ये, देखो x बराबर जीरो पर देखो लिमिट इन्फिनिटी है तो फर्स्ट काइंड हो गया, और अगर हम x बराबर x टेंडिंग टू जीरो पर इसकी लिमिट को देखें तो x जीरो पर ये वैल्यू वन हो गई, वन बाई जीरो क्या हो गया इन्फिनिटी, वही मतलब प्लस वन बाई एक्स है तो वो एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी होगा, लेकिन चलो है तो अनबाउंडेड ही ना, ठीक है, x टेंड टू जीरो पर, तो इस पॉइंट मतलब एंड पॉइंट पर भी अनबाउंडेड हो सकते हैं, फंक्शन देखा था हमने सेकंड काइंड में कि एंड पॉइंट पर भी फंक्शन अनबाउंडेड हो सकते हैं और बीच में किसी पॉइंट पर भी अनबाउंडेड हो सकते हैं, ये हमने सेकंड काइंड में देखा था, ठीक है। तो लिमिट इन्फिनिटी है इसका मतलब फर्स्ट काइंड है, और एक पॉइंट पर इन्फिनिटी है इसका मतलब ये अनबाउंडेड, तो फर्स्ट सेकेंड जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम लोग बच्चों थर्ड काइंड यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। देखो आप देखो क्या होता है, इसके कन्वर्जेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर, इसके लिए देखो हम लोग क्या तरीका यूज करते हैं, जरा इसको हम समझें कि आखिर कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं। देखो समझो, देखो कन्वर्जेंस को चेक करने का, है ना, थोड़ा सा हम यहां पर आइडिया लेंगे आज, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो क्या होता है, समझो ध्यान से, जैसे अगर कोई इंटीग्रल इम्प्रॉपर है ना, चाहे वो किसी भी काइंड का है, ठीक है, और अगर उसको हम इंटीग्रेट कर पाए, जैसे क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप हर फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही लें, जैसे कि अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं, आप एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके, लेकिन अगर आप साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, आपने साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना नहीं सीखा होगा, ठीक है। हाँ अगर आप चाहें तो एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर को टी मान के ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इतना आपको होगा पहले से ही, नहीं है तो फिर थोड़ा मेरी क्लास 12 पे जाओ, वहाँ मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया है बहुत डिटेल से, क्लास 12 IIT मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे सीख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ऐसी चीज है जो हर जगह काम आएगी, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहोगे वहाँ भी इंटीग्रेशन चाहिए होता है, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे आता नहीं, वो एक प्रोसेस है, थोड़ा सीखना पड़ता है, तो थोड़ा ही सीख लो, शुरू के 5-6 लेक्चर सीख लो तो आ जाएंगी चीज़ें, काम भर की आ जाएंगी, बाकी अदरवाइज सीखने को तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है बेटा, सीखते रहो। तो मतलब जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और आप अंदर के फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर पाए, है ना,
तो वो कुछ ना कुछ तरीकों में फिट बैठेगा, फार्मूला होगा या टी मान के होगा या वाई पार्ट्स होगा, किसी ना किसी मेथड में फिट बैठेगा वो, तभी आप उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे जो आपने पढ़ा होगा। तो अगर फंक्शन इंटीग्रेट हो पाए तो उसको बड़ी आसानी से हम उसका कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। दो कैसे, देखो जैसे है ना, अब तो सबसे पहला इसका मेथड यही है कि अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो तब, है ना, कन्वर्ज मतलब हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्जेंस को चेक करना चाहते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब कि उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी या नहीं आएगी। देखो तो सबसे पहला मेथड ये तब लगता है जब इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स पॉसिबल होता है, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है तो। देखो कैसे, जैसे हम लोग एक दो क्वेश्चन देखें। मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इंटीग्रल 1 से लेकर इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। देखो ये इम्प्रॉपर है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर है, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी है, फंक्शन बाउंडेड है ना, मतलब फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं होगा जब आप 1 से इंफिनिटी जाएंगे तो, लिमिट इंफिनिटी है तो फर्स्ट काइंड का ही है। देखो ध्यान दो, आप देखो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है ना, आप कर सकते हैं। इसीलिए देखो मैंने फार्मूला बताया था कि एक लिमिट इंफिनिटी है तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दो और 1 से एक्स कर दो और एक्स की पावर हाफ है, इसे एक्स की पावर माइनस हाफ लिख लो ऊपर लिख के, ठीक है। तो देखो ये वही फार्मूला जो मैंने बताया था अभी कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लिमिट को अभी इंतजार करने दो बाहर, इसका इंटीग्रेशन करो तो x की पावर n का फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ऊपर हाफ अपॉन हाफ और 1 से x तक। अब क्या होता है, अब पहले आप x की जगह पर देखो ये 2 हो जाएगा ऊपर आके, x की जगह पर अपर लिमिट रखो तो अंडर रूट x, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखो तो अंडर रूट 1, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब आप x को इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा, देखो ये 2 into infinity minus 1 तो infinity आ गया। तो देखो ये integration जो है वो divergent है क्योंकि इसकी limit infinity आ गई, तो उसमें किसी भी और की जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि integration था इसका, हो रहा था, हमें किसी test की जरूरत नहीं। अभी हम आगे और भी test पढ़ेंगे, वो उनमें लगते हैं जिनके integration possible ना हो, जैसे मैंने आपको sin x square का example दिया, उसका integration आप कर ही नहीं सकते। ऐसे लाखों करोड़ों फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। वो तो थोड़ा सा जब आप इंटीग्रेशन करोगे, मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है, परेशान मत होना, कोई टेंशन नहीं पाना। तो देखो ये इंटीग्रेशन जो है बेटा ये डाइवर्जेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आ गई। अगर किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ये डाइवर्जेंट हो गया। जैसे कि मान लो मैं ये क्वेश्चन करूं, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 डीएक्स में करूं, मान लीजिए देखो लिमिट इन्फिनिटी है, इसका मतलब फर्स्ट काइंड है, फंक्शन बाउंडेड है, टेंशन ना पालो। क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करो और इंटीग्रल 1 टू एक्स करो, एक्स की पावर माइनस 3/2 करो और डीएक्स करो। अब देखो क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ हो जाएगा और 1 से x चला जाएगा। भाई x की पावर n का क्या हुआ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो अब ये क्या हुआ, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये माइनस 2 और क्या हुआ, x की जगह अपर लिमिट तो x की पावर माइनस हाफ और x की जगह लोअर लिमिट तो 1, तो क्या हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 2, ये क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1, बस समझे। अब आप x को रखो इन्फिनिटी तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा माइनस 2 और 0 माइनस 1 तो आंसर 2 आ गया। देखो ये वैल्यू फाइनाइट आ गई, मतलब ये कन्वर्जेंट है, ये इंटीग्रेशन जो है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई, बस समझे बोलो। तो मतलब अगर लिमिट इंफिनिटी है, मतलब फर्स्ट काइंड का है यहां पर,
तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि यहां पर बीच में किसी पॉइंट पर ये अनबाउंडेड नहीं है, ये भी ध्यान रखो जरा, मतलब ये फर्स्ट काइंड का है, बीच में किसी पॉइंट पर अनबाउंडेड नहीं है। मतलब जैसे मान लो अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता, 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री होता, तो फिर इसको आप ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीच में भी ये 2 3 पर इनफिनिट जा रहा है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, है ना, इसे 2 3 पर ब्रेक करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो क्या गुल खिला रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये जो हमने इंटीग्रेशन लिए हैं ये सब बाउंडेड थे, मतलब फर्स्ट काइंड के हैं। देखो जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि लिमिट एक्स सॉरी ये इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन बाउंडेड है लेकिन लिमिट तो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट काइंड है देखो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करो, 0 से x करो और साइन एक्स डी एक्स करो। अब साइन का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, 0 से x हो गया, अब क्या हुआ, माइनस को बाहर ले लो, x की जगह x रखो तो कॉस एक्स, x की जगह 0 रखो तो कॉस 0। अब देखो कॉस 0 1 होता है तो ये 1 लिख सकते हैं। अब अगर आप x को रखोगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, माइनस कॉस इन्फिनिटी प्लस 1, बस समझिए। अब देखो जो कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू है ये पता नहीं, ये तो है तो फाइनाइट, क्योंकि कॉस की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक होती है, लेकिन माइनस 1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, 1 बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब है तो इसकी वैल्यू फाइनाइट लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये ऑसिलेटरी है। मैंने आपको बताया था ना कि ऑसिलेटरी भी हो सकता है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये ऑसिलेटरी है, और ऑसिलेटरी भी क्या होते हैं, नॉट कन्वर्जेंट होते हैं, ध्यान रखो, है ना, ऑसिलेटरी भी क्या होते हैं, नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू है तो फाइनाइट, क्योंकि साइन इन्फिनिटी माइनस वन और वन के बीच में आएगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता, इसलिए ये इंटीग्रेशन कैसा है, बोलो बेटा ऑसिलेटरी, क्योंकि फाइनाइट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां पर हैं, इसलिए ये इंटीग्रेशन कैसा है बच्चों, ऑसिलेटरी है, समझो ध्यान से, ठीक है ना, लिखो जरा इसको ध्यान से, मिल जाते अगर अब हम, आग लग जाती पानी में, बचपन की बही दोस्ती हो जाती जवानी में, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। अरे यार तुम लोग मतलब कहीं कुछ अदरवाइज तो नहीं लेते हो कि सर देखो यार ये कैसे गंदे गंदे गाने गा रहे, पीने का शौक, अरे भाई अदरवाइज मत दो, पीने को मतलब कॉफी चाय आप कुछ भी पी सकते हैं, आजकल लोग काढ़ा पी रहे हैं तो काढ़ा भी पी सकते हैं, है ना, और वैसे भी ये सब अभी ये सब गाने वाने तुम्हारे लिए है नहीं, लोग जनरली अपने ऊपर ले लेते हैं, पिक्चर देखते हैं लगता है कि हीरो मैं ही बन गया, पिक्चर देख के आदमी इमोशनल हो जाता है कि हाँ यार यही सब चीज़ें तो मेरे साथ हो रही हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी तुम ये HD सर की जो पिक्चरें बन रही हैं इनको देखो, HD मैथमेटिक्स की जो ये यूट्यूब पे पिक्चर जा रही हैं सारी इनको देखो, इधर उधर की पिक्चरें मत देखो, अभी अपने आप को दुनिया भर के शाहरुख सलमान और अक्षय कुमार और गोविंदा से कंपेयर ना करो, घर गोविंदा से तो तुम वैसे भी कंपेयर नहीं करते होगे, ठीक है, चलो घर जाने दो। अच्छा देखो जैसे कि मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस mx और dx
मान लो एम पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट काइंड है, क्योंकि देखो ये हर एक पॉइंट पर बाउंडेड है। जैसे एक्स को रखोगे जीरो, तो जैसे एक्स को अगर आप इसमें जीरो रखोगे, मैंने बताया था एंड पॉइंट पर लिमिट लेते हैं तो ई की पावर जीरो वन आएगा। अगर आप एक्स को इन्फिनिटी रखोगे, देखो जो अपर लिमिट है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। मैंने बताया था इसको वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, मतलब वन बाई इन्फिनिटी यानी जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ई वन से बड़ा है, वन से बड़े टर्म की पावर इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और वन बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, जीरो। तो देखो ये एंड पॉइंट पर भी इनकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो मतलब ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में बाउंडेड है, मतलब ये फर्स्ट काइंड है। ये सब देखना पड़ता है बेटा, अगर बीच में किसी पॉइंट पर ये अनबाउंडेड होता तो तरीका थोड़ा बदलेगा, बताएंगे अभी। तो देखो क्या करें, इसको भी हम अपने उसी मेथड से करें, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जीरो टू x, e की पावर माइनस एम एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, तो कर दो, तो क्या होगा, e की पावर माइनस एम एक्स अपॉन माइनस एम, और जीरो से x हो गया, है ना भाई, ये इंटीग्रेशन होगा इसका। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x के साथ में कोई अगर टर्म होता है ना, जैसे कि मान लो e की पावर ए एक्स है, एक्स के साथ में अगर x का लीनियर फंक्शन है तो फार्मूला तो वही काम करता है, लेकिन x का कोफिशियंट नीचे आ जाता है, ये इंटीग्रेशन का मेथड होता है। हाँ, अगर मान लो ऐसे होता तो नहीं कर सकते, क्योंकि x की जगह x का लीनियर फंक्शन नहीं है, कुछ और है। x की जगह किसी भी इंटीग्रेशन के फार्मूले में x की जगह अगर x का लीनियर फंक्शन, जैसे मान लो ये है e की पावर 2x plus 3 है, तो x का फार्मूला मालूम है, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो सेम फार्मूला काम करेगा, और जो x का कोफिशियंट है वो नीचे आएगा। ऐसा होता है, आप इसको t मान के भी कर सकते तब भी यही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट करो, जैसे कि मान लो आपको साइन ऑफ b माइनस ए एक्स का करना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन x का कोफिशियंट, देखो x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशियंट माइनस ए नीचे आ जाएगा, है ना, कहीं पर भी लगा सकते, वही देखो हमने लगाया, x का कोफिशियंट माइनस एम है, क्योंकि x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो सेम फार्मूला, और x का कोफिशियंट माइनस एम नीचे आ गया। अब देखो क्या होगा, समझो ध्यान से, कि माइनस वन बाई एम बाहर ले लिया, x की जगह अपर लिमिट तो वो x ही रहेगा, x की जगह x रखोगे तो x ही रहेगा, माइनस x की जगह लोअर लिमिट तो e की पावर जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब समझो x को रखो इन्फिनिटी, तो माइनस वन बाई एम, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, मैंने बताया e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, माइनस वन, तो क्या आ गया, वन बाई एम, देखो ये वैल्यू आ गई। तो मतलब ये क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट है। हाँ, m की कोई फिक्स वैल्यू होगी, भाई m अगर 2 लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, m अगर 10 लोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये मत कहना ये ऑसिलेटरी है, m की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन कोई एक लोगे ना एक बार में, एक बार में m की एक ही वैल्यू तो लेके चलोगे ना, ठीक है ना, तो ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, फिक्स आ गई, है ना। तो इस तरीके से बच्चों, अभी मैं आपको और भी बहुत से एग्जाम्पल कराऊंगा, तो स्टार्टिंग है बस अभी, है ना। तो इस तरीके से बच्चों, हम लोग अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो उसका कन्वर्जेंस बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, इसको आगे देखेंगे, कई सारे टेस्ट होते हैं, सब देखेंगे बारी बारी से, ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं पालना, सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।